नमस्कार, मैं कामराज सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ देखने के लिए हर खबर का खुलासा। बेरोजगार युवकों को दिया माटी कला में प्रशिक्षण। बिजनौर के नजीबाबाद में मंडलीय ग्रामोद्योग बोर्ड नजीबाबाद के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के माटी कला बोर्ड द्वारा स्वरोजगार माटी कला प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों में आए अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया। कोर्स करने के बाद उनको उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदस्य और अमरोहा विधायक श्री ओम प्रकाश गोला द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को माटी कला की सरकारी योजनाओं का लाभ देकर स्वरोजगार माटी कला के लिए चलाई जाती है, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्र में स्वयं का रोजगार पा सके और समाज में सम्मान से जीविका यापन कर सके। दरअसल यह है योजना उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवक युवतियों के लिए चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मंडली ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से 9 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। मंडलीय ग्राम उद्योग बोर्ड नजीबाबाद बिजनौर के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में विभिन्न योजनाओं द्वारा माटी कला रोजगार परक 9 दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग विभिन्न जनपदों से आए प्रशिक्षणार्थी ने भाग लिया और माटी कला प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य उत्तम कुमार और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदस्य ओम प्रकाश गोला द्वारा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए, जिसमें विभिन्न जनपदों में अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार माटी कला का माध्यम से विभिन्न प्रकार की कलाकृति से सुसज्जित मार्केट के लिए फूलदान, अन्य प्रकार के बर्तन, माटी के बर्तन बनाकर तैयार की। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के माटी कला बोर्ड के सदस्य ओम प्रकाश विधायक अमरोहा ने माटी कला के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे दी और बताया कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन 2018 में किया गया। तब उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड माटी की कलाकृति एवं उनसे बनने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तु पर विकास संबंधित कार्य कर रही है। रोजगार परक माटी कला के लिए सरकार का अनुदान, संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित कर सके। मुरादाबाद मंडल से ब्यूरो चीफ कामराज सिंह की रिपोर्ट। सर्वोत्तम है और हम उसको नमन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि चारों स्तंभों में लोकतंत्र है, चारों स्तंभों में आप ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए आप ही इस लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखे हैं। इसी रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस समय माटी कला संबंधित आप भी अलग योजनाएं हैं। देखिए माटी कला बोर्ड